सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप में से अधिकतर लोगों ने इस बात को नोट किया होगा कि कई ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनके मेन विंग के आगे दो और छोटे से विंग लगे होते हैं। जैसे कि अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट पर मौजूद इस तरह के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो ऐसे विंग आपको सुखोई 30 MKI और FL फाइटर्स में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि जो तेजस फाइटर का मीडियम वेट वर्जन है यानी कि तेजस MK2, तो इस फाइटर का भी जो फाइनल डिजाइन निकल के सामने आया है उस डिजाइन में भी इस फाइटर में इस तरह के दो छोटे विंग दिए गए हैं। और आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें मालूम होगा कि इन दो छोटे विंग्स को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं। टेक्निकल टर्म में इन दो छोटे विंग्स को कहा जाता है कैनार्ड्स। लेकिन आप में से ऐसे कितने हैं जिन्हें ये मालूम है कि जो ये कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट में कैनार्ड्स दिए गए होते हैं, ये असल में क्या भूमिका निभाते हैं और आखिर किस वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन में इन्हें शामिल किया जाता है? और केवल इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से जो ये कैनार्ड्स हैं, ये हमें हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? तो आज के एपिसोड में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जो ये कैनार्ड्स हैं, ये एयरक्राफ्ट के मेन विंग के आगे लगाए जाते हैं और इनका मेन पर्पस होता है फाइटर एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग और ओवरऑल एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करना। और ये कैनार्ड्स खास करके तब काम आते हैं जब एयरक्राफ्ट हल्की रफ्तार में, आप कह सकते हैं कि अपनी सबसोनिक रफ्तार में चल रहा हो, तो ऐसी कम रफ्तार में एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखने के लिए ये कैनार्ड्स एक एडिशनल लिफ्ट जनरेट करते हैं जिससे एयरक्राफ्ट को एक लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी मिलती है। और कैनार्ड्स के जरिए एयरक्राफ्ट ऐसे मैनवर्स भी कर सकता है जो कन्वेंशनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ करने मुश्किल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कैनार्ड्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट को कम रफ्तार में स्टेबल रखने के साथ साथ मैनवर्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में भी काम आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने जो राइट फ्लायर नाम का एयरक्राफ्ट बनाया था, जो कि सबसे पहला सफल एयर पावर्ड एयरक्राफ्ट था, तो वो भी कैनार्ड बाइप्लेन एयरक्राफ्ट था। और कैनार्ड्स कुछ और नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का ही रिप्लेसमेंट है। हाँ, बस फर्क इतना है कि जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होते हैं वो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट के पीछे की साइड लगते हैं, लेकिन जो ये कैनार्ड है ये एयरक्राफ्ट के मेन विंग के आगे लगते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर क्या है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। और कैनार्ड्स के काम करने के तरीके को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपने बचपन में कागज का प्लेन बनाया होगा तो आपने इस बात को नोट किया होगा कि जैसे जैसे वो प्लेन अपनी रफ्तार को खोने लगता था, तो वैसे वैसे वो अपने नोज के जरिए जमीन पर लैंड करता था, यानी कि जो उसका आगे का हिस्सा है वो नीचे की तरफ आने लगता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस प्लेन में उसके आगे के हिस्से को ऊपर उठा के रखने के लिए वहाँ पे कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रही है। और अगर ऐसे में अगर आप उस प्लेन के आगे कोई ऐसी चीज लगा दें जो उस प्लेन को ऊपर लिफ्ट करके रखे, तो वो कुछ देर तक हवा में स्टेबल रहेगा। और अब बात आती है कि जो ये कैनार्ड्स है, अगर वाकई में ये इतने काम की चीज है, तो फिर ये हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें देखने को क्यों नहीं मिलती है? लेकिन ये जानने से पहले, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो वैसे तो जो इसका आंसर है वो काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कैनार्ड्स का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में करना है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। आप कोई मीडियम वेट फाइटर बना रहे हैं, हैवी वेट फाइटर बना रहे हैं, या कोई फिफ्थ जनरेशन वाला स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं। और वैसे भी कैनार्ड्स के जितने फायदे दिखते हैं उतने फायदे हैं नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल करने के नुकसान भी हैं, जिनमें से सबसे पहला नुकसान तो यह है कि एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्दीनेस है वो कम होती है, और इसी वजह से आपको कैनार्ड्स किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर में देखने को नहीं मिलेंगे। और हम बात कर रहे हैं रियल फिफ्थ जनरेशन फाइटर की। अब आप चाइना के J20 की बात मत कर देना, क्योंकि भले ही चाइना तो ये कहता है कि J20 उनका फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, लेकिन अगर आप उसका डिजाइन देखेंगे तो उसमें कैनार्ड्स दिए गए हैं। और चाइना के J20 को लेकर इसलिए भी डाउट होता है कि ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर तो नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि जो ये कैनार्ड्स हैं, ये आपको अधिकतर डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइटर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूरो फाइटर टाइफून, राफेल, ग्रिपन और ऐसी अन्य फाइटर्स। वहीं जो ट्रेपेजोइडल विंग वाले एयरक्राफ्ट होंगे उनमें आपको ये कैनार्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात करें इस तरह के एयरक्राफ्ट की, तो उनमें आएंगे सुखोई 57, F-22, F-35 और ऐसी अन्य एयरक्राफ्ट। और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के जो दो फाइटर प्रोग्राम है, तेजस MK2 और AMCA, उनमें से एक में कैनार्ड्स हैं और एक में कैनार्ड्स नहीं है। AMCA फाइटर्स ट्रेपेजोइडल विंग वाले डिजाइन के साथ आते हैं और उनमें कैनार्ड्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उससे उनकी जो स्टेल्थीनेस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और वहीं तेजस MK2 जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर होगा, वो एक डेल्टा विंग डिजाइन वाला एयरक्राफ्ट है, तो इसलिए उसकी मैन्यूवरिंग को और इम्प्रूव करने के लिए उसमें कैनार्ड्स दिए गए हैं। तो अगर एक लाइन में कहना हो कि कैनार्ड्स का क्या इस्तेमाल होता है, तो कह सकते हैं कि कैनार्ड्स एयरक्राफ्ट को लिफ्ट, कंट्रोल और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो
तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।